अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले तैयारा हादसे में कई जानें चली गईं। इस नाकाबिले तलाफी नुकसान पर पूरी कौम सोगवार है। पाकिस्तान का दिल भी उदास है और घरों में सफ़े मातम भी बिछी है। मेरी दुनिया टीम भी सोगवारों के दुख में बराबर की शरीक है। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया के आज के हालात। पंजाब में कातिल धुन जिंदगियां निगलने लगी। गुजरांवाला, भूरेवाला, साहिवाल और कान्हा में ट्रैफिक हादसात, 8 अफराद मौत की वादी में उतर गए। मोटरवे की बंदिश भी रोज का मामूल। मसीहाओं की हड़ताल, अस्पतालों में मरीज ख्वार। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। पंजाब भर के बड़े अस्पतालों की ओपीडीज आज फिर बंद। मुल्तान इंतजामिया ने एक्शन तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ताजरों और अहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। मुश्तल अफराद का टायर जलाकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। दुश्मन नासिर के गिर्द घेरा तंग। राजनपुर के कच्चा के इलाके में ऑपरेशन जरब आहन 2 जारी। फारिग औकात में नौजवान मौसीकी से दिल बहलाने लगे। सखर के नवाही गांव का अनोखा स्कूल, इमारत खस्ता हाली का शिकार। असातिज़ा भी यहां शायद रास्ता भूल गए, मगर इल्म की जस्तजू में नन्ही तालिबात ने स्कूल का इंतजाम अपने हाथों में ले लिया। कोयटा में कई दहाइयों पहले लगाया गया ट्रैफिक सिग्नल्स का निजाम नाकारा। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना मुश्किल से मुश्किल हो गया। ट्रैफिक पुलिस अहलकार बेबस, तो शहरी भी ख्वार। दरिया चनाब में पानी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 5000 क्यूसिक रह गया। गंदम की बवाई खतरे में पड़ गई, काश्तकार परेशानी का शिकार। कश्मीर में बारिशें रंग लाईं। दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद पर छाई धुंध छट गई। मौसम का मजा लेने सैयाह भी दरिया किनारे पहुंच गए। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं, पंजाब में धुंध और जिंदगियां निकलने लगी है। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार बैठे। गुजरांवाला, भूरेवाला, साहिवाल और कान्हा में ट्रैफिक हादसात के दौरान 8 अफराद मौत की वादी में उतर गए। पंजाब में धुंध कातिल बन गई, जाने लेना शुरू कर दी। धुंध के बाइस पंजाब की मुख्तलिफ शाहराहों पर हादसात बढ़ गए। भूरेवाला में मोटरसाइकिल की गधा गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद दम तोड़ गए। गुजरांवाला के इलाके रत्ता जहाल के करीब मोटरसाइकिल बस से टकरा गई। तलवंडी मूसा खान के रिहायशी 2 नौजवान शौकत और उमैर जाँ बहक हो गए। साहिवाल में नाईवाला रोड पर धुंध की वजह से ट्रक की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर के इलाके कान्हा के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने धुंध के बाइस हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स ने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ आज के रोज भी एहतजाज किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अस्पतालों की ओपीडीज बंद पड़ी हैं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी के अस्पतालों में मरीज ख्वार होते रहे। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर्स को भी काम करने से रोक दिया।
मसीहा सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ओपीडी बंद, मरीज बेहाल, लवाहिकीन परेशान, बेआरओ मददगार, मरीजों का दर्द कौन बांटे, कोई परसाने हाल नहीं और हुकूमत जिद पर अड़ी हुई है। लाहौर के मियो सर्विसेज, जिना, गंगाराम चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालिबात के हक में ओपीडी बंद रखी। मुल्तान के यंग डॉक्टर्स ने भी ओपीडी को एहतजाजन बंद रखा, जिससे मरीजों को शदीद तकलीफ का सामना रहा। इमरजेंसी में लाए हैं, यहाँ पे डॉक्टर की हड़ताल थी, ओपीडी का जो आउटडोर जाए ओपीडी में गए वहाँ पे भी बंद है। छोटी छोटी दवाइयों के लिए पहले तो हमें बाहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड के हाथों से ले लौना पड़ता है। इन लोगों ने परेशान किया हुआ है कि कभी कहते हैं उधर चले जाओ, कभी कहते हैं इधर चले जाओ, इसका नाम के कोई सूरत हाल नहीं है, ना डॉक्टर है। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल समेत सिविल अस्पताल में ओपीडी बंद रही। यंग डॉक्टर्स ने सीनियर्स को भी काम करने से रोक दिया। रावलपिंडी में भी यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और ओपीडी दो घंटे के लिए बंद रखी। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों में लेबोरेटरीज और अद्वियात की सहूलियात फराहम की जाएं। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी डॉक्टर्स के मौआशी कत्ल के मुतरादिफ है। जब तक गवर्नमेंट इस जालमाना सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को वापस नहीं करती और पुराना सिस्टम स्पेशलाइजेशन का बहाल नहीं करती, हमारी ये जो विद्रॉ ये जारी रहेंगे। मसीहाओं ने खबरदार किया है कि मुतालिबात न माने गए तो अस्पतालों की इमरजेंसी में भी काम बंद कर देंगे और जिम्मेदारी सेक्रेटरी हेल्थ और पंजाब हुकूमत पर होगी। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ जिले इंतजामिया और पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ बाजारों से लंडे का सामान भी उठा लिया गया, जिसके बाद ताजिरों और इंतजामिया के अहलकारों के दरमियान धक्कम पेल हो गई और ताजिरों ने एहतजाज भी किया और टायर जलाकर मार्केट रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। देखेंगे जानशेर खान की रिपोर्ट। मुल्तान में हुसैनागई मार्केट, घंटा घर और दौलत गेट चौक पर जिलाई इंतजामिया ने तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया और लंडे का सारा सामान उठा लिया, जिस पर ताजिर मुश्तैल हो गए और पुलिस से धक्कम्पेल की। ताहम ऑपरेशन के बाद ताजिरों ने एहतजाज किया, टायर जलाए और मार्केट रोड बंद कर दिया। हमारी जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी होती है पार्किंग की जगह, वहाँ पर आगे उन्होंने हमारे लड़कों को मारा। तजावजात में दुकानदारों की हद तो नहीं आती ना, अगर दुकानदारों के दुकानों के काउंटर उठाना शुरू हो जाएंगे जो जिसमें कैश होता है, और अगर कहा जाता है कि जनाब क्यों उठा रहे हैं तो उनको मारना शुरू कर दिया। ग्रैंड ऑपरेशन की निगरानी के दौरान डीसीओ का कहना था कि ताजरों और टीएमओ के अमले की मिली भगत से शहर में तजावजात की भरमार है। तो अमला होता है वो सारा उनसे मिला होता है। मुझे आप लोगों पर यकीन है कि आप लोगों में इस तरह की कोई नहीं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मुश्तैल ताजरों ने लंडे के सामान को भी आग लगा दी और जिलाई इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। जिलाई इंतजामिया की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद ताजर बिरादरी मुश्तैल है और उन्होंने पूरी हुसैनागई मार्केट भी बंद कर रखी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा मैन जफर हुसैन के साथ जानशेर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। राजनपुर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जरबे आहन 2 का आज चौथा रोज है। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। देखेंगे कमर सराज की रिपोर्ट। शर पसंदी को जड़ से उखाड़ने का आज़म, छोटू गैंग का सफाया करने के बाद राजनपुर के कच्चे और दरियाई इलाकों में ऑपरेशन जरबे आहन 2 जारी। पुलिस ने कच्चे के तमाम रास्ते सील कर दिए, जबकि डाकुओं और इश्तहारियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है। डीपीओ राजनपुर इरफानुल्ला मरवत का कहना है कि 5 साल से नो गो एरिया अब क्लियर हो चुका है। मुसलसल काबिशों से, कोशिशों से, अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग से 5 साल के बाद इस इलाके को हमने क्लियर करवाया है। पुलिस की इस वक्त यही कामयाबी बहुत बड़ी है कि जो 5 साल से नो गो एरिया बना हुआ था वो हमने क्लियर करवा लिया है। फारिग औकात में पुलिस के जवान मौसीकी से दिल बहलाते हैं। पुलिस के मुताबिक सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कई मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कमर सराज, दुनिया न्यूज, राजनपुर। और
अभी बात करेंगे सखर की, जिसके करीबी गांव राहोजा में एक ऐसा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी है जहां पर गुजश्ता कई माह से स्कूल टीचर ही नहीं है, लेकिन पढ़ने की शौकीन बच्चियां अपनी तालीम का बेड़ा खुद ही उठाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि स्कूल में कोई भी असातिज़ा मौजूद नहीं है और यहाँ पर मासूम तलबा खुद ये जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और एक दूसरे को तालीम का जेवर से आरास्ता करने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई देती है। इसी पर देखेंगे इसहाक खोसो की रिपोर्ट। मासूम से हाथों से झाड़ू देती ये बच्चियां हैं सक्खर के निवाई गांव राहुजा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की। कई माह से स्कूल की छत के पलस्तर गिर रहे हैं और टीचर भी नहीं हैं। मगर तालीम से लगन रखने वाली ये बच्चियां रोजाना स्कूल आती हैं। आहते में बैठकर खुद ही एक दूसरे को तालीम से आरास्ता करती हैं और हुकूमत सिंध से तालीमी सहूलियात की फरहमी का सवाल करती हैं। सफाई बफाई कंदा हूं, झाड़ू बाड़ू दींदा हूं, बोट बोट सफा कंदा हूं। वालदेन के मुताबिक महकमा तालीम को कई बार टीचर्स न होने और स्कूल की खस्ता हाली की इतला दी, मगर किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। हमारे बच्चे खुद सफाई करते हैं, न बाथरूम में न कोई पानी की सहूलत है, न कोई स्वीपर है, बिल्डिंग गिर रही है, 6 महीने हो गए कोई टीचर नहीं आती। स्कूल में एक दूसरे को तालीम देती ये बच्चियाँ सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की मुंतजर हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े ऐलान तो और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सहूलियात से महरूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल राहुजा गोट की ये मासूम सी बच्चियाँ सिंध हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असली अब्बासी के साथ इसहाक खोसो, दुनिया न्यूज सक्खर। कई बार जाएगा एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है सयाहों की मौजें। वेलकम बैक। दराए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 5000 क्यूसिक रह गया है, जिसकी वजह से दराए चनाब खुशसाली का मंजर भी पेश कर रहा है। इसी पर मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे हामिद रजा से। हामिद, बताएगा दरिया में पानी की किल्लत की आखिर वजूहत क्या है? जी, दरिया में जो पानी की किल्लत की जो वजूहत है वो ये है कि अपने बगलिहार डैम समेत छोटे छोटे जो डैम इंडिया में बनाए गए हैं और जो जरूरत के जो मुताबिक पानी है दरिया चनाब में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, तब ये पानी छोड़ते हैं, जब सैलाब के दिनों में ये पानी छोड़ते हैं। इसके अलावा जो पानी है ये खुद स्टोर करते जाते हैं अपने डैमों में। और अभी ये पोजिशन है कि यहाँ पे जो तारीख की कम तरीन सतह पे आज 5140 क्यूसिक पानी है, जबकि पिछले साल 13 दिसंबर को जो थी इसकी पोजीशन यहाँ पे थी 15725 क्यूसिक पानी था यहाँ पे। लेकिन जो अभी से नहर मराला रावी लिंक है, बीआरपी नहर है, ये मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है और जो किसानों को ठीक है। बहुत शुक्रिया हामिद रजा, आपने अपडेट किया। अभी अफसोसनाक खबर आपको देते हैं डस्का से, जहां बम्बावाला में मैरिज हॉल के गनमैन ने मुबैना तौर पर एक बच्चे पर तशद्दुद किया है, जिससे बच्चा जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक चौथी जमात का तालिब इल्म दानिश बारात से पैसे लूट रहा था, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मजीद तहकीकात भी कर रही है। इसी पर हम तफसील भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे राना इरशाद। राना इरशाद, बताएगा पुलिस ने मजीद क्या बताया इस अफसोसनाक वाकये से मुतालिक? जी, उन पुलिस का कहना है कि ये बच्चा जो था ये बारात के साथ जो है ये दीगर बच्चों के साथ पैसे लूट रहा था और ये मैरिज हॉल की हदूद के अंदर चला गया है, जिस पर जो मैरिज हॉल का गार्ड था उसने इस पर तशद्दुद किया है। ये भागा है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पाइप से उसने मारा और जिसकी वजह से इसकी आंख पे लगा और इसकी आंख निकल गई और मौका पर ही ये दानिश जो है ये जान बहक हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जो मुल्ज़िम है सफदर, जिसका ताल्लुक मानसेरा से बताया जाता है, उसको हिरासत में ले लिया है और बच्चे को दानिश की लाश जो है ये सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है, जहां अभी जो है कार्रवाई जो है ये जारी है। अभी FIR दर्ज नहीं की जा सकी। और राना इरशाद, आपने अपडेट किया। टंडुआ लायार के जोगियों ने मुबैना तौर पर घरों से बेदखल किए जाने के खिलाफ हैदराबाद में बीन बजाकर और सांप गले में डालकर अनोखा एहतजाज किया। घरों से बेदखली, टंडुवाला यार के जोगियों ने हैदराबाद में बीन बजाकर और सांप गले में डालकर अनोखा एहतजाज किया।
मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शरीक थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वो 100 साल से सरकारी जमीन पर बैठे हैं। बासर बिल्डर्स मुबैना तौर पर पुलिस की मदद से उनको घरों से बेदखल कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ नारेबाजी की और आला हुकाम से तहफ्फुज की अपील की। कोयटा में आबादी के साथ गाड़ियों की तादाद में बेतहाशा इजाफे होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम धरम भरम होकर रह गया है। शहर में कई दहाइयों पहले लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर नाकारा हैं। देखेंगे फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। सूबाई दारुलहुकूमत कोयटा में ट्रैफिक सिग्नल्स तो हैं, तहम इन्हें रोशन करना इंतजामिया भूल गई है। शहर में दीगर मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल हो रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अंदरून शहर 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा हैं। सड़कें कम चौड़ी होने के सबब शहर के बेशतर इलाकों में दिन भर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है और ऐसे में माजी में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स को रोशन देखने के लिए लोग तरस गए हैं। ये सिटी गवर्नमेंट इंतहाई नाकाम गवर्नमेंट है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ ऊपर से जो छोटे लाइटे लगे हुए हैं यहाँ पर रोडों पर दरख्तों पर, उसके अलावा कोई आप देखे सामने सिग्नल सारे टूटे हुए हैं। शहर में ट्रैफिक पुलिस के 300 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं, लेकिन बेहंगम ट्रैफिक का जिन उनके बस से बाहर है। शहर के 6 मुख्तलिफ चौकों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के नाकारा होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी परेशान है। जिधर एक कांस्टेबल ने काम करना है उधर 4-4 कांस्टेबल लगे हुए हैं। ये मेट्रोपोलिटन का काम है कि सिग्नल ठीक करवाएं ताकि इस आवाम में भी कोई शौर आए। ट्रैफिक सिग्नल्स का इंतजाम चलाने की जिम्मेदारी मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है कि फंड्स की कमी है, सिग्नल्स को जल्द बहाल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज, क्वेटा। फैसलाबाद में गैस ने आवाम से मुंह मोड़ा तो शहरी लकड़ियां खरीदने टालों पर पहुंच गए। महंगे दामों मिलने वाली लकड़ियों और गैस लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। देखेंगे शहरों से बात की रिपोर्ट। सर्दियों के आगाज से ही शहर के मुख्तलिफ इलाके गैस से महरूम हुए तो गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग से तंग अवाम घर का चूल्हा गर्म करने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन गैस की लोड शेडिंग से टाल के मालकों ने लकड़ियों की कीमतें भी बढ़ा दी। कोई तो लकड़ियां खरीद सकता है तो कोई इसकी भी सकत नहीं रखता। लकड़ियां काफी महंगी हो चुकी है, लेना भी मुश्किल है। हमारी रेंज से ज्यादा है, गैस के बिल भी पे कर रहे हैं हर महीने, मगर फिर भी परेशानी है। हम लकड़ी लेने के लिए आए हैं, मैं रक्षा ड्राइवर हूँ खुद, तकरीबन 500 रुपए दिहाड़ी लगाता हूँ। 500 रुपए अगर लकड़ा आ जाती है तो उसका क्या फायदा बच्चों को। 400 रुपए मन के हिसाब से मिलने वाली लकड़ियाँ अब 600 रुपए से 650 रुपए मन तक फरोख्त की जा रही हैं। टाल के मालिक का कहना है कि गर्मियों में कम जबकि सर्दियों में लकड़ियों की फरोख्त बढ़ जाती है। लकड़ साड़ी ना गर्मियों जी तो जरा थोड़ी सर्दियों जी सीजन होना ज्यादा बिकती, कभी गैस बंद हो जानी फिर ज्यादा बिक जानी। शहरियों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग के बावजूद बिल पूरे अदा करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि कम अज कम इतनी गैस फराहम की जाए जिससे घर का चूल्हा चलता रहे। सर्दियों के आगाज से ही एक जानब शहरियों को गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी जानब लकड़ियों की बढ़ती हुई कीमत ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बोरा मेरी दुनिया के लिए कैमरा मैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। फर्ज शनासी की बातें जाने दो, पहले होगी पेट पूजा फिर करेंगे काम दूजा। गुजरावाला में रेलवे ड्राइवर इंजन पटरी पर छोड़कर नान चने लेने चला गया। 15 मिनट तक इंजन पटरी पर खड़ा रहा। छोड़ो फर्श शनासी की बातें, पहले होगी पेट पूजा फिर करें काम दूजा। पाकिस्तान रेलवे का ड्राइवर गुजरावाला सेक्शन पर इंजन पटरी पर छोड़कर नान चने लेने चला गया। 15 मिनट तक इंजन पटरी पर खड़ा रहा। इंजन ड्राइवर हाथ में नान चने का शॉपिंग बैग थामे आया और शाने बेनियाजी से इंजन लेकर ये जा वो जा। मुँह को चस्का लगा हो तो टक्कर और इंसानी जानों की किसे परवाह। जामशोरो कैडेट कॉलेज में पेरेंट्स डे की तकरीब में वजीर आला सिंध ने भी शिरकत की। तलबा ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। रिपोर्ट करेंगे अल्ताफ कोटी।
जामशोरो कैडेट कॉलेज पिटारो में 55वीं पेरेंट्स डे की तकरीब का आगाज बिगल बजाकर और फिजा में गुब्बारे छोड़कर किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह को कॉलेज के तलबा पर मुश्तमिल घुड़सवार दस्ता स्टेज तक लाया। वजीर आला सिंह को कॉलेज का सुवीनियर पेश किया गया। सैयद मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कॉलेज की तारीफ और कॉलेज के लिए 14,16,00,000 रुपए और 2 बसों का ऐलान किया। आई वुड लाइक टू अनाउंस अ ग्रांट ऑफ रुपीज 1.6 मिलियन फॉर वेलफेयर ऑफ द कॉलेज एम्प्लॉइज, अ गिफ्ट ऑफ 2 new buses फॉर द कॉलेज एंड डेवलपमेंट फंड्स ऑफ रुपीज 40 मिलियन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेज लैब एट कैडेट कॉलेज पिटारो। पेरेंट्स डे की तकरीब में कैडेट कॉलेज के तलबा ने बड़े मुनज्जम अंदाज में मार्च पास्ट किया। मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। तलबा ने पीटी शो का मुजाहिरा किया। चाइनीज किंग फू शो पेश किया गया। वही माहिर घोड़सवारों की तरह तलबा ने घोड़सवारी करते हुए नेजे से अपने हदफ को हासिल किया और हाजरीन से भरपूर दात वसूल की। वजीर आला सिंह ने तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और असातिज़ा को इनामात दिए। अगर बंदे को फोर्सेस का ज्यादा शौक है तो उसको चाहिए कि वो कैडेट कॉलेज पिटारो में जरूर पढ़े ताकि उसकी अच्छी ट्रेनिंग भी, फिजिक के साथ साथ अच्छी ट्रेनिंग भी हो। कैडेट कॉलेज पिटारो के तलबा ने तालीम से फारिग होकर मुल्क की फौज में हिस्सा लेने का अंदिया दिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज हैदराबाद। आजाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला तवील खुश्क साली के बाद शुरू हुआ। दरियाएं और नदी नालों के बहाव में इजाफे के साथ फसलों पर भी अच्छे असरात पड़ रहे हैं। देखेंगे मुजफ्फराबाद से ख्वाजा काशिप की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर मकामात की तरह आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में 2 दिन से वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू है, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत में 3 माह से हर सू छाई धुंध खत्म हो गई है। मौसम खुशगवार होने से सैयाह और शहरी दरियों के किनारों पर निकल आए हैं। डस्ट बहुत हो गई, ह्यूमिडिटी बहुत हो गई। अल्लाह के फजल करम से ये हल्की सी बारिश हुई है जिससे धुंध है वो बैठ गई है। हल्की हल्की बारिश से जहाँ दरियों और नदी नालों में पानी की सतह कदरे बुलंद हुई है, वही बालाई इलाकों नीलम, रावलाकोट, बाघ, लीपा, हवेली समेत मुजफ्फराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कराची में असल में इस वक्त गर्मी थी, मैंने कहा ठंड नई शुरू हुई है इन जगहों पे। कराची में आपको पता ठंड मिलती नहीं है, तो यहाँ पे हमने आके वेदर बहुत एंजॉय किया। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस बारिश से जहाँ आबी ज़खायर में इजाफा हुआ है, वहीं फलों, सब्जियों और फसलों की पैदावार पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे। हालिया बारिशों के सिलसिले के बाद जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहाँ पर दरियाओं और नदी नालों के भाव में भी इजाफा हुआ है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।